डीजीपी बोले, आधुनिक तकनीक से होगी रामलला की सुरक्षा। 77 करोड़ से खरीदे जाएंगे हाईटेक उपकरण। राम जन्मभूमि की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे डीजीपी डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि रामलला की सुरक्षा में विजिबल पुलिसिंग की अपेक्षा आधुनिक तकनीक के अधिक उपयोग की आवश्यकता है। शासन इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसके लिए 77 करोड़ रुपए की सुरक्षा योजना बनाई गई है। वहीं पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। सुरक्षा के दृष्टिगत योजनाओं पर वो खुलकर नहीं बोले, लेकिन इतना जरूर कहा कि आने वाले दिनों में रामनगरी की सुरक्षा में व्यापक विस्तार देखने को मिलेगा। राम मंदिर को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने कहा, रामनगरी आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि होगी। ऐसे में रामनगरी की पुलिस को उनकी सेवा का अधिक अवसर मिलेगा। श्रद्धालुओं के साथ पुलिस कर्मियों का व्यवहार कैसा हो, इसका प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर के साथ प्रमुख मंदिरों एवं उन तक जाने वाले मार्गों पर हर वर्ग के साथ दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर विशेष रूप से समीक्षा की गई है, ताकि दर्शन पूजन में उन्हें कोई असुविधा न होने पाए। डीजीपी ने कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों पवित्र धर्म स्थलों की सुरक्षा के लिए समय समय पर समीक्षा कर उसमें आवश्यक सुधार किए जाते हैं। रामलला की सुरक्षा में एसएसएफ की तैनाती के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये नीतिगत निर्णय का विषय है। पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स व सिविल पुलिस रामलला की सुरक्षा में पहले से ही तैनात है। इससे पूर्व डीजीपी ने विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार, एडीजी जोन पीयूष मीडिया, आईजी रेंज प्रवीण कुमार, डीआईजी मुनिराज जी के साथ राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी की सुरक्षा देखी एवं दर्शन पूजन किया। रामनगरी का भी उन्होंने भ्रमण कर चल रहे विकास कार्यों के बीच सुरक्षा की भावी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सभी जोन की सुरक्षा की हुई समीक्षा। डीजीपी ने बताया कि राम जन्मभूमि में आइसोलेशन जोन, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन एवं ब्लू जोन की समीक्षा की गई है। रामलला जहां विराजमान है उसे आइसोलेशन जोन कहा गया है। इसके बाद संपूर्ण परिसर रेड जोन है। पंचकोशी परिक्रमा की परिधि में येलो जोन, 14 कोसी परिक्रमा के दायरे में आने वाला क्षेत्र ग्रीन जोन, जबकि 84 कोसी परिधि ब्लू जोन में आती है। इसकी सुरक्षा की समीक्षा की गई है। परिसर के साथ ही रामनगरी में सुविधा केंद्र, बूम बैरियर, पुलिस कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट सहित सुरक्षा के आधुनिक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सरयू नदी की निगरानी को पुख्ता बनाने के लिए भी समीक्षा की गई है। अपराधियों का तैयार हो रहा डाटाबेस, डीजीपी ने कहा, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। माफिया कितना भी बड़ा हो, उसके आपराधिक कृत्यों का दमन किया जाएगा। जेल हो या कोई अन्य स्थान, उसके आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अपराधियों का डाटाबेस तैयार हो रहा है, जिसमें उसके अपराधों के साथ साथ मददगारों की संपत्ति का ब्यौरा भी दर्ज होगा। पुलिस लाइन में मंडलीय अपराध समीक्षा बैठक के उपरांत डीजीपी ने कहा कि सभी जिले बेहतर कर रहे हैं।